अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं जाऊंगा बटेश्वर। माँ मैं बटेश्वर जाऊंगा, नहीं रहना है मुझे यहाँ। मेरा ग्वालियर से रिश्ता यही तक था। लो, काम हो गया, बधाई हो। अटल का ग्वालियर से संबंध यही तक था। चलो सरस्वती। झूठ नहीं बोलूंगी बेटा, आज सुबह जो हुआ वो बहुत भयानक था। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन फिर भी ये कैसे मान लूं कि तुम्हें ग्वालियर छोड़ के जाना पड़ेगा। कैसे मान लूं, मैं क्या करूं? माँ मैं भगोड़ा खिलाया जाऊंगा ना, वो सह लूंगा, लेकिन मेरे परिवार को कुछ हो वो नहीं सह सकता हूं। इसलिए कल सुबह मुझे बटेश्वर निकलना है। मुझे का क्या मतलब है, अकेले जाने दूंगी तुम्हें? ठीक है फिर, कल सुबह दोनों चलेंगे बटेश्वर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। उसे जरा इधर आइयो, जरा कुछ खाने पीने को दे दो ना, बड़े दिनों से खाया पिया नहीं है। मेरे तुम लोगों का ठेका लेकर रखा हुआ है? अरे सेठ, जिस काम के लिए जा रहे हो ना वो काम बन जाएगा। काम तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा, तू भगवान का भतीजा है, तेरे कहने से काम पूरा हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो सेठ, अरे हम गरीब हैं और हम गरीब की दुआएं लगेगी तुम्हें। अपनी दुआ की बनाओ बत्ती और दुआ लगे। बड़ा घमंडी यार तू तो, और एक नंबर का काया भी। हाँ घमंडी भी हूँ काया भी हूँ, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा तू? मैं बद्दुआ देता हूँ कि तू जिस काम के लिए जा रहा ना वो काम पूरा नहीं होगा। और आधे रास्ते में ना तुम्हारी बैंड बज जाएगी। और एक जरूरी बात सुन, तुम्हारे दिल में ना चोर है और तू ना अपनी बीवी के काम से नहीं जा रहा है, तू एक पराई स्त्री के काम से जा रहा है। तुझे कैसे पता बे? बेटा इस चिलचिलाती धूप में ना इंसान को तो अपना होश नहीं रहता है, ना तो अपनी बीवी का होश होता है। उसे सिर्फ होश उस पराई स्त्री के लिए होता है जिसे वो पटाने की कोशिश में रहता है। तू ना अपनी बीवी से छुप छुप के ना एक पराई स्त्री को पटाने की कोशिश कर रहा है। देखो बेटा सुन, वो ना पटेगी। बात
अरे ये तो बेहोश हो गया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। जय हिंद सर। सर ये है संतरा, इसी ने एसी देने से मना किया था सर। दोपहर से इसका शोरूम में वेट कर रहा हूँ, अब जाकर मिला। काय कहाँ तू अब तक? अरे सर एसी की इतनी डिमांड चल रही है ना कि रात दिन में एसी की डिमांड पूरी करने में लगा हुआ हूँ, बहुत बिजी हूँ। बिजी लगते फिर जाको देख, जाको पहचान, जाकी डिमांड ने काय नहीं पूरी कर रहा हूँ, जो पैसा ले लो तो। मतलब ओ सर हराम, एसी का पैसा ले लिया है और अब तक एसी नहीं पहुंचाया है। हम बैठे हैं ना, हम पंजीरी बांट रहे का। सुन लई, अब तीरू का जवाब है जो बता, जल्दी बता, फटाफट बता, फिर हम चलें। सर आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं दे सकता। आप कहें तो मैं इसके सारे पैसे वापस कर देता हूँ। अरे पैसा कहे लेंगे, कहे लेंगे पैसा? सर हम ऐसे बुक किए हैं तो हम ऐसे लेंगे, पैसा कहे लेंगे? बिल्कुल तेरी बातें 100% सही है। फिर गरज रहो, सुन ली, तुरंत तुरंत आनंद फानंद में जाके पास ऐसी पहुंचा। नहीं पहुंचा सकता। काहे? सर ये तो आपके मुंह पर मना कर रहा है, आपकी कोई इज्जत ही नहीं। तू इतनी चौड़ी में बता रहा हूँ, थाने में जा बात। सॉरी ढीके लटक कैसे बात कर रहा हूँ तू? जब जैसा पैसा लाए हैं तो तेरे बाप भी ऐसी पहुंचाएगा। ऐसी पहुंचा? सर मेरे पास ऐसी होगा तब तो दूंगा ना। सर कानपुर में क्या, पूरे लखनऊ में एसी की मारामारी चल रही है। इन्होंने जो एसी बुक कराया था वो एसी मैंने मंत्री जी के यहाँ लगवा दिया, क्योंकि मंत्री जी का एसी लास्ट मिनट में खराब हो गया। तो अब आप बताइए, एसी मंत्री जी को देता कि संतरी को? मंत्री को। हाँ क्यों देते, इसको देना चाहिए ना। देखा देखा ना दरोगा साहब, अब जो है सो एसी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अब तो दारोगा साहब हम ये इस थाने के पंखे में लटक के अपनी जान दे देंगे। अरे यार तू ऐसे, अरे हम हाथ जोड़ रहे, तू यार बार बार जान दे। एक सेकंड, तूने पंखा नहीं हटवाऊ, हमने बोली तू जान देने की बार बार धमकी ना दे, हम सब सॉल्व करेंगे, हम बैठे हैं ना इतने। ले सर मुझे तो अब जाने दीजिए ना, मुझे क्यों पकड़ के रखा है, एसी तो मंत्री जी के घर पे है। कान खोल के बात सुन ले, तूने पैसे लाए हैं मंत्री के घर से एसी उखड़वा और जाके घर में पहुंचा तुरंत। सर मंत्री जी के घर का एसी तो मिलने से रहा, हम कुछ जुगाड़ करते हैं, आप लोग फिक्र मत कीजिए। फिक्र तो तुझे करनी चाहिए, शुक्र मना कि आज सर का मूड अच्छा है, वरना तेरी अच्छे से खातिरदारी होती। सर मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, अभी मुझे जाने दीजिए प्लीज। मेरी सर एक बात सुन लीजिए कान खोल के, तो हम भी जो अपना सुसाइड का जो प्लान है ना होल्ड पे रखे हैं। बहुत बढ़िया, सुन जब तक जो होल्ड पे है पंखा हटवा दीजिए। बहुत बढ़िया, बाकी हम चलते हैं, सब काम के लिए रोगों निपट गओ, एसी फटाफट तेरे घर पहुंच जाएगा। सर सर एक बात पूछे। आज रात को यहीं कूलर के पास सो जाएं। अबे तो तू कह रहे हो तो कि जैसे गर्म हवा आ रही। भागे तेरे से। अच्छा ठीक है सर, कल सवेरे सवेरे आ, कल सवेरे आइए, हटो हमें जान दो अब। मैं भी जाऊं? जाऊं मैं? व्हाई नॉट, जाने दो ना यार तुम अलग है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।